हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू क्राफ्ट अरीना एंड दिस साइड इज लोचन। आज जो पोटल आर्ट हम करने जा रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए जैसो। तो सबसे पहले हम जैसो प्रिपेयर कर लेते हैं। होममेड जैसो बनाने के लिए हमें चाहिए टेलकम पाउडर, वाइट ग्लू और जिस भी कलर का हमें जैसो बनाना है वो एक्रेलिक कलर। आप यहाँ टेलकम पाउडर की जगह पर वॉल पुट्टी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप POP यूज़ कर सकते हैं। POP मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। वॉल पुट्टी या POP आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप पर मिल जाएंगे। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। यहां हम इन तीनों को इक्वल रेशो में लेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको ये और थिक चाहिए तो उस केस में आप थोड़ा और पाउडर ऐड कर दें, और अगर आपको ये थोड़ा पतला चाहिए तो उस केस में आप थोड़ा सा वाटर ऐड कर दें। एंड ये हमारा ब्लैक होममेड जैसो रेडी है। इसे आप चाहे तो स्टोर करके भी रख सकते हैं, बट बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसे फ्रेश ही प्रिपेयर करें। बॉटल पर थोड़ा सा टेक्सचर इफेक्ट देने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ डैबर, और डैबर की हेल्प से मैं इसे अच्छे से अप्लाई करूँगी। मुझे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एक कॉमन क्वेश्चन ये भी है कि जब भी हम बॉटल पर बेस पेंट करते हैं तो उसमें जब हम एक्रिलिक कलर यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे ब्रश के स्ट्रोक्स बहुत दिखते हैं और ग्लास के ऊपर कलर अच्छे से हो नहीं पाता है, तो उसके लिए हम क्या करें। तो उसके लिए बेस्ट यही है कि आप बेस कलर में आप जैसो यूज़ करें। उसके ऊपर आप कोई भी पेंटिंग करते हैं तो ईजिली आपके सारे कलर्स अच्छे से अप्लाई होंगे। आपके पास अगर डैबर नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पर कोई भी स्पॉन्ज लीजिए और उसे आप क्लॉथ पिन की हेल्प से इस तरह से होल्ड करके आप डैबर की तरह यूज़ कर सकते हैं। बेस कलर जब भी आप करते हैं तो उसके लिए आप स्पॉन्ज या डैबर ही यूज़ करें, तो आपका फिनिशिंग अच्छा आएगा। आप यहाँ जैसो की जगह एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, बट टेक्निक आप सेम रखें। आप सेम स्पॉन्ज या डैबर की हेल्प से ही अप्लाई करें तो फिनिशिंग सेम आएगी। एंड जब जैसो अच्छे से अप्लाई हो जाए तो इसे एटलीस्ट 1 आवर के लिए ड्राई होने दें। जैसो अच्छे से ड्राई हो गया है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेप। नाउ यहाँ पर हम ग्लास मार्कर की हेल्प से कुछ इस टाइप से फेसेस ड्रॉ करेंगे। इन फेसेस की ड्राइंग आपको इजीली पिंटरेस्ट पर मिल जाएगी, बट आप अगर सेम यही प्रिंट चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। एंड इन्हें पेंट करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ राउंड ब्रश 00 नंबर, एंड कलर है वाइट एक्रिलिक कलर। ये बॉटल आर्ट बहुत ही ज़्यादा इजी बॉटल आर्ट है गाइस, प्लीज़ आप इसे ट्राई करें। और जब कभी भी आप इसे बनाते हैं तो आप सिंपली मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इसे टैग कर सकते हैं, या फिर इसकी पिक्चर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। आप इस तरह के फेसेस नहीं ड्रॉ कर सकते हैं तो आप सिंपली इन्हें ट्रेस करके भी कलर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। इससे जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करती हूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बॉटल की ब्यूटी को इनहांस करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वाइट रोप, एंड इट्स रेडी। इसे प्रोटेक्ट करने के लिए आप कोई सा भी वार्निश यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर स्प्रे वार्निश यूज़ कर सकते हैं, या फिर लिटिल बर्डी का डेकोर वार्निश में ग्लॉस फिनिशिंग या फिर मैट फिनिशिंग का कोई सा भी वार्निश यूज़ कर सकते हैं। आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये बॉटल आर्ट कैसा लगा है, और साथ ही में आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि किस टाइप के बॉटल आर्ट वीडियो आप देखना चाहते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।